नमस्कार दोस्तों, ईवीएस के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो धरातल के ऊपरी भाग में जो विभिन्न गैसों का संगठन होता है उसे वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो प्रमुख रूप से भूमिका निभाती है? तो वायुमंडल में गैसें हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N2, इसका वायुमंडल में प्रतिशत है 78.08। ये धरातल से 125 किलोमीटर पर लुप्त हो जाती है। उसके बाद द्वितीय स्थान पर आती है ऑक्सीजन, इसका सूत्र है O2। यह वायुमंडल में 20.95% पर रहती है तथा 100 किलोमीटर पर ये धरातल से लुप्त हो जाती है। उसके बाद आर्गन AR, ये वायुमंडल में 0.93% पे पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये वायुमंडल में 0.03% पर पाई जाती है। कहीं कहीं आपको 0.003% भी मिल सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि यह धरातल पर रहती है, भारी है, शुष्क है, इसी कारण अग्निशमन यंत्रों में CO2 का प्रयोग किया जाता है तथा ठंडे क्षेत्रों में ताप की ज्यादा आवश्यकता होती है। अतः पौधों को लगाने के लिए जिन कांच घरों का प्रयोग किया जाता है उसमें CO2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे ठंडे क्षेत्र है तो यहाँ पर पौधों को लगाया जाता है, उनके ऊपर कांच की जो है वो परत लगा दी जाती है, जिससे सूरज की पराबैंगनी किरणें अंदर तो जाती है लेकिन वापस ऊपर नहीं आती है और यही का यही जो है वो स्थित हो जाती है। इसी कारण CO2 को जो है वो कांच घर की गैस भी कहा जाता है और पौध घर के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा ये हरित गृह प्रभाव या ताप हेतु बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और ग्रीन हाउस प्रभाव कहो चाहे हरित गृह प्रभाव कहो, इसके लिए उत्तरदायी मुख्य रूप से CO2 होती है। जैसे सूरज की किरणें धरातल पर आती है तो उस समय CO2 जो है वो धरातल पर ही रहती है क्योंकि भारी बहुत ज्यादा है, तो वो सूरज की किरणों को वापस लौटने नहीं देती है। इसी कारण यहाँ का तापमान जो है वो अचानक बढ़ जाता है और विभिन्न प्रकार की गैसों के साथ संपर्क बनाने के बाद यहाँ के तापक्रम में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो अग्नि दोहन में सहायक होती है, तो नाइट्रोजन ऐसी गैस है जो अग्नि को नियंत्रण का काम करती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि अग्नि दोहन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है, तो वह है ऑक्सीजन, और नियंत्रण के लिए कौन सी गैस है, तो वह है नाइट्रोजन। इसकी शॉर्ट ट्रिक है आना, आ से आग और ना से नियंत्रण यानी ना। वायुमंडल की अन्य गैसें, अन्य गैसों में मुख्य रूप से एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताती हूँ, मीना काजल लगाती है। मी से मीथेन, ना से नाइट्रस ऑक्साइड, का से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और ल से जलवाष्प। ये सभी वायुमंडल के अंतर्गत आने वाली अन्य गैसें हैं तथा वायुमंडल के तत्व हैं। इसके अलावा अब हम आगे पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। वायुमंडल में मुख्य रूप से जो परतें पाई जाती हैं उनमें सबसे मुख्य रूप से जो होती है वो होती है शोक मंडल, जिसका संबंध धरातल से होता है। उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके बाद आता है आयन मंडल अर्थात तापमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वायुमंडल की सबसे पहली परत यानी सबसे निचली परत, जिसका संबंध धरातल से होता है। ये धरातल पे 8 से 10 किलोमीटर तक होती है, कुछ जगह 8 से 13 किलोमीटर भी अंकित की गई है। जैसे अगर हम धरातल पर खड़े होकर हमारी आंखों से जो पहला आकाश या पहला पंछी देखते हैं यानी बादल जहां तक होते हैं वहां तक शोभ मंडल माना जाता है। शोभ मंडल पर परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, अर्थात इसे मैं परिवर्तन मंडल भी कह सकती हूँ, तथा शोक मंडल ध्रुवों पर बहुत कम ज्यादा प्रभाव डाल
जाता है। जैसे 165 मीटर यदि आप जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आती है, तथा 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री तापमान में क्या आएगी, कमी आएगी। सभी मौसमी परिवर्तन इसी मंडल में होते हैं। बादल, आंधियां, तूफान, पेड़ पौधे, हम सब, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात यहाँ से क्वेश्चन आता है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो वो है सौर मंडल। ये भी प्रश्न आया है कि सभी मौसमी परिवर्तन कहाँ होते हैं, सौर मंडल पे होते हैं। ये भी प्रश्न आया है कि यदि 165 मीटर आप जाते हैं तो तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी, तो 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। अब सौर मंडल नामक शब्द का प्रयोग किसने किया, या ये कह सकते हैं कि सौर मंडल शब्द या ये नाम किसने दिया है, तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है टिजरेंस डी बर्ड। इन्होंने सबसे पहले सौर मंडल नामक शब्द का प्रयोग किया। द्वितीय स्थान पर हम पढ़ेंगे समताप मंडल। समताप मंडल सौर मंडल के ऊपर की परत है जो 15 से लेकर 50 किलोमीटर तक होती है, किंतु 15 से 33 के मध्य जो है वो प्लेन उड़ते हैं। यानी कि वायुयानों के लिए सबसे सुरक्षित मंडल कौन सा है, तो वो है समताप मंडल। पिछली बार परीक्षा में आया था कि जो वायुयान चालक है उनके लिए सबसे सुरक्षित और सबसे प्रिय जो मंडल है वो कौन सा है, तो वो है कौन सा, समताप मंडल। यहीं पर बड़े बड़े पक्षी वगैरह और प्लेन उड़ते हैं। इसके ऊपर जो परत होती है यानी 33 से लेकर 50, उसे ओजोन परत के नाम से जाना जाता है, यानी पृथ्वी। ओजोन की लेयर पाई जाती है और ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि ये सूरज से आने वाली पैरामैग्नेटिक किरणों का क्या करती है, अवशोषण करती है। इसी कारण इसे पृथ्वी की जीवन रक्षक के नाम से भी जान सकते हैं। ओजोन को मुख्य रूप से CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा हानि हो रही है, किंतु वर्तमान में सर्वाधिक जो है वो CFC के प्रयोग पर प्रतिबंध है, क्योंकि CFC जो है वो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती थी, लेकिन वर्तमान में सरकार के द्वारा रेफ्रिजरेटरों में CFC का प्रयोग बंद कर दिया गया है। अर्थात CFC पर पूर्णतः नियंत्रण किया जा रहा है, जिससे ओजोन की परत में जो छिद्र पाया गया 1986 में, वो छिद्र अपने आप भर जाए तथा वो बढ़े नहीं। इसके लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और सम्मेलन भी किए जा रहे हैं, तथा विश्व के सभी देश एकजुट होकर ओजोन के छिद्र को वापस पुनः पहले जैसा करने के लिए, अर्थात व्यवस्थित करने के लिए और इस छिद्र को भरने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वायुमंडल की तीसरी परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर पे होती है तथा इसमें तापमान घटता है। इसके ऊपर होती है चौथा स्तर यानी चौथा मंडल है आयन मंडल, जिसे ताप मंडल कहते हैं। इसमें तापमान बढ़ता है। आयन मंडल की 4 परतें होती हैं जिन्हें GFED के नाम से जाना जाता है। जैसे डी जो होती है इसमें 60 से 100 के मध्य जो है दीर्घ तरंगे उत्पन्न होती है। इसके अलावा ई परत के अंतर्गत 90 से 130 के मध्य मध्यम तरंगे होती है। 130 से 300 के मध्य लघु तरंगे पाई जाती है, तथा आयन मंडल में जी परत के अंतर्गत सभी तरंगे पाई जाती है, अर्थात विश्व के सभी देशों के सैटेलाइट यहाँ पर उपलब्ध है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।